हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम छा डॉट कॉम माई नेम इज रमनदीप सिंह सो स्टूडेंट्स फॉर पी एन बी एस ओ क्रेडिट ऑफिसर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एग्जाम टूडे वीर टू एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दट इज प्रायोरटी सेक्टर लैंडिंग स्टूडेंट्स एवरी ईयर आई सी एटलीस्ट फोर टू फाइव क्वेश्चन दट आर आस्ड फ्रॉम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग डायरेक्टली तीन चार क्वेश्चन पक्के हैं इस टॉपिक में से सो जस्ट गो थ्रू दिस लेक्चर टूडे एंड ऑल्सो गो थ्रू द फुल लेंथ क्लास पूरी फुल लेंथ क्लास भी हम करते हैं डॉट कॉम एंड इफ पॉसिबल यू कैन गो थ्रू द आर बी आई इज ऑफिशियल वेबसाइट सो प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग एक मास्टर सर्कुलर है इट इज़ अ मास्टर सर्कुलर सो विच इज अपडेटेड वंस आफ्टर एवरी थ्री फोर मंथ्स सो वी कीप एन आई ऑन दिस हम पूरा इस पे नजर रखते हैं हम इसकी अपडेट्स अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं सो so, दैट्स वट वी आर गोइंग टू डू टूडे कुछ एक क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं रफली फिफ्टीन क्वेश्चन जो हमने तैयार किए हैं दट्स वट आई गोइंग टू शेयर माई नेम इज़ रमनदीप सिंह एंड आई बिन टीचिंग ऑन बैंक एग्जाम टे फ्रॉम लास्ट आई गेस ट्वेल्व ईयर सो इट्स रियली इजी टू रीच मी ऑन बैंक एग्जाम्स टे डॉट कॉम एंड दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर इफ देर इज एनी डाउट इन योर माइंड प्लीज आस्क योर डाउट्स सो बिफोर स्टार्टिंग लेटमी टेल यू पी एन बी so credit officer 2023 course has already been started on bankexamstudy.com we are providing video classes notes quizzes test series power capsules and live uh, sessions on bankexamstudy.com link to join the course is available in the description so first of all the basic question uh, you won't find this particular question in your exam but you should know what do you mean by priority sector lending so lending to those sectors which may not otherwise receive timely and adequate credit अगर बैंक आ, बैंकों को ये जरूरी ना किया जाए कि वो एग्रीकल्चरल लोन दे एजुकेशनल लोन दे वो क्यों देंगे बैंक्स दे आर लकटेंट टू गिव लोन्स टू फार्मर्स टू स्मॉल बिजनेसेस टू इवन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग लोन टू यू नो डेयरी फार्मर्स फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल लोन्स और इवन हाउसिंग लोन्स दे आर मोर इंटरेस्टेड इन गिविंग बिग टिकट लोन्स हज़ार करोड़ का लोन दे दिया राइट सो इफ अ बैंक इज गिविंग टेन लोन्स ऑफ थाउजेंड करोड़, तो दस लोन दे दिया किसी ब्रांच खोलने की भी जरूरत नहीं है अगर दस दस लाख के पाँच पाँच लाख के लोन बांट रहे हैं तो ब्रांचेस चाहिए ऑपरेशन बहुत सारे लोग हायर करने पड़ेंगे बैंक आर नॉट इंटरेस्टेड एक्चुअली बट आर बी आई ने रेगुलेट कर दिया है कि आपको एक फिक्सड परसेंटेज है विच इज जनरली फोर्टी परसेंट फॉर कमर्शियल बैंक्स तो वो आपको प्रायोरिटी सेक्टर को देना ही पड़ेगा ओके देन वॉट इज द टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड फॉरन बैंक विद ट्वेंटी प्लस ब्रांचेस इन इंडिया तो ये 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है वेच एवर इज हायर 40% ऑफ जितना भी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है उसका देना पड़ेगा 40% का टारगेट है आरआरबी के केस uh, में आरआरबीज के केस में ये सेवेंटी है टारगेट सेवेंटी फाइव परसेंट है फोर्टी परसेंट नहीं है ओके ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रायरिटी सेक्टर प्रायरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर है एमएसएमई है एक्सपोर्ट सेक्टर है एक्सपोर्ट क्रेडिट है डिफेंस नहीं है एडुकेशन भी है होम लोन्स भी है रिनील एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी हैं डिफेंस यहाँ पे नहीं है डिफेंस यहाँ पे नहीं है यहाँ पे, पे दिया भी हुआ है एग्रीकल्चर है आपका एम एस एम ईज है एक्सपोर्ट क्रेडिट एजुकेशन हाउसिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यल एनर्जी एंड अदर्स तो डिफेंस बिल्कुल भी नहीं है पी एस एल लैंडिंग क्या है बेसिकली सर्टिफिकेट्स इशूड बाई प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स। ओके सो दीज आर पी एस एल सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट इशूड बाई वन बैंक टू अनदर बैंक फॉर द एक्सेस अचीवमेंट्स वेरी नॉट वेरी कॉमन टॉपिक्स बट आ जाता है

ट्वेल्व परसेंट ऑफ ए एन बी सी टू द वीकर सेक्शन और इन केस ऑफ आर आर बीज इट इज़ फिफ्टीन परसेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक में इट इज़ ट्व परसेंट आर आर बीज में ये ज़्यादा है पंद्रह परसेंट है आर आर बी का वैसे भी ओवरऑल टारगेट भी ज़्यादा होता है कुछ एक यू नो सिटीज़ में कुछ एक एरियाज में प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग के लोन ज़्यादा दिए जाते हैं कुछ एक सिटीज़ में कम बट द बैंक्स दे आर लाइक वो नेशनल लेवल के बैंक हैं ठीक है नेशनल लेवल के बैंक है तो दे आर गिविंग पी एस एल लोन इन सर्टन एरियाज कुछ एक एरियाज में नहीं दे रहे टू ब्रिंग द इक्वालिटी आर बी आई केम अपडिया कि उन्होंने दे आर बी आई जस्ट उन्होंने चेक किया उन्होंने पाया कि देर आर सर्टन उन्होंने लिस्ट बनाई है सम सिटीज uh, की जो जहाँ पे कंपेरेटिवली लो यू नो कम दिए गए हैं लोन और उस uh, जगह पे अगर पी के लोन दिए जाते हैं तो उसका वेटेज हो जाएगा 125 ट्वेंटी फाइव परसेंट टू वर्ड्स टारगेट वन ट्वेंटी फाइव परसेंट ये लो कैसे है पर कैपिटा पर कैपिटा पी एस एल इज लेस देन सिक्स थाउजेंड अगर पच्चीस हज़ार से ज़्यादा है तो वेटेज है नाइन्टी परसेंट अगर छः हज़ार से कम है तो वेटेज है वन ट्वेंटी फ़ाइव परसेंट प्लीज़ रिमेंबर दैट इफ़ पर कैपिटा पी एस एल इज़ लेस देन सिक्स थाउजेंड कैप्टिक्स थाउजेंडेंटेंट का वेटेज दिया जाएगा towards target completion. अगर पच्चीस है तो नाइनटी परसेंट इसको आप याद रखें ध्यान में रखें ठीक है ये यहां पे दिया भी गया है नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है ये अंडर प्रायोरिटी सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई हैव सीन दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स इन द एग्जाम्स इसी साल में लेटेस्ट टॉपिक है इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें थोड़ा सा एडवांस लेवल का टॉपिक है और ये बार बार पेपर में आता है सीन दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स और इसको ध्यान में रखें अंडर पी एस एल द न्यू लोन लिमिट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्टी करोड़ का लिमिट uh, है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए uh, जो सोलर बेस्ड प्रोजेक्ट्स जनरेटर्स हैं बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर विंड मिल माइक्रोहाइडल प्लांट्स नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के लिए फॉर द इंडिविजुअल हाउस होल्ड इट इजन लैक पर बॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड का लिमिट कम है इन सेट ऑफ रूल डायरेक्टिव फॉलोइंगीएसएल तो ये सारे आते हैं ऑलरेडी हम कर चुके हैं एग्रीकल्चर एमएसएमई एक्सपोर्ट क्रेडिट एडुकेशन हाउसिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूअल एनर्जी अदर्स तो अभी तो स्टार्टअप भी एड हो चुके हैं ठीक है सो वट इज एप्लीकेबल लिमिट फॉर बैंक लोन फॉर बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सेटिंग अप स्कूल ड्रिंकिंग वाटर फेसिलिटीज सैनिटेशन फैसिलिटीज इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन एंड रीफरबिशमेंट ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स एंड वाटर इंप्रूवमेंट एट हाउस होल्ड लेवल अंडर द पी एस एल तो इसमें अप टू अ लिमिट ऑफ फिफ्टी लाख फिफ्टी मिलियन पर बॉर्वर या पांच करोड़ पर बॉर्वर का एक लिमिट है बट आयुष्मान भारत के अंडर आप कोई हेल्थ फैसिलिटी बना रहे हो ये कोविड के टाइम पे आया था फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आयुष्मान भारत के अंडर इन टीयर टी टू टू टीयर सिक्स तो अप टू अ लोन ऑफ हंड्रेड मिलियन दस करोड़ के लोन तक इसको पी माना जाएगा तो ईजिली लोन मिल जाएगा राइट वट इज़ अ प्रिस्क्राइब लिमिट फॉर बैंक लोन सेंक्शन टू एडुकेशन तो ये चेंज हुआ है इफ़ यू आर एन ओल्ड स्टूडेंट ओल्ड कहना सही नहीं होगा इफ़ यू हैव स्टडीड द प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग फोर फाइव ईयर्स बैक तो आपको ये आप ये दस लाख आंसर करोगे बट ये चेंज हुआ है एक डेढ़ साल पहले चेंज हुआ है इट्स नाउ ट्वेंटी लैख्स पहले फॉरेन एजुकेशन का लिमिट अलग होता था डोमेस्टिक एजुकेशन का जो एजुकेशन लोन है उसका लिमिट अलग होता था बट नाउ इट इज़ ट्वेंटी लैख नो मैटर जो लोकल है डोमेस्टिक है या ब्रॉड पढ़ने जा रहे हो ट्वेंटी लाख का लिमिट है वट इज़ द टारगेट फॉर डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अंडर प्रायरिटी सेक्टर ये फोर्टी है रिपीट हो रहा है क्वेश्चन तो 40% है फॉरेन बैंक्स के लिए भी 40% परसेंट आर आर के लिए 75 ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टेबल है प्लीज टेक द स्क्रीन शॉट लेट मी जस्ट हाइड माई सेल्फ प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड रीड इट फॉर योर सेल्फ डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड आर आर बीज फोर्टी परसेंट ऑफ ए एन बी सी का टारगेट है टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का इसमें से एग्रीकल्चर एटीन परसेंट ऑफ ए एन बी सी ये फोर्टी है फोर्टी का एटीन परसेंट नहीं है हंड्रेड जितना लोन बांटा है हंड्रेड का एटीन परसेंट है टूवर्ड्स एग्रीकल्चर सो आउट ऑफ विच टेन परसेंट इज प्रिस्क्राइब फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ये फार्मी है एटीन का टेन परसेंट नहीं है इट इज हंड्रेड जो जितना लोन है उसका टेन परसेंट है एटीन का टेन परसेंट वन पॉइंट एट परसेंट नहीं है सो so, अठारह में से दस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स सेवन पॉइंट फाइव परसेंट फॉर माइक्रो एंटरप्राइस

इसमें सिर्फ पंद्रह परसेंट कर सकते हैं बाकी इन्हें एग्रीकल्चर एम एस एडुकेशन वीकर सेक्शन को ही देना पड़ेगा राइट सो बाकियों का सेम है बट यहाँ पर एडवांस टू वीकर सेक्शन फिफ्टीन परसेंट इन आर बाकी आपका ऑल इन ऑल इट इज सेम ठीक है सेवेंटी फाइव परसेंट टारगेट है स्मॉल फाइनेंस बैंक और आरआरबी में दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये पेपर में बहुत बार आता है बहुत बहुत बार आता है ठीक है तो याद रखें सेवेंटी फ़ाइव परसेंट ही पूछा जाता है फोर्टी सबको पता होता है सेवेंटी फ़ाइव का रीजनल रूरल बैंक का लगभग याद नहीं होता है बट याद रखें विच अमंग फॉलोइंग ये ओवरड्राफ्ट वाला भी थोड़ा सा चेंज हो गया है ये फिफ्टी थाउजेंड का लिमिट नहीं रहा है जनधन योजना वाला सो so, uh, ये फिफ्टी थाउजेंड अब नहीं रहा है ये लिमिट अब चेंज भी हो चुका हुआ है ठीक है सो so, ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अवॉइड करें वीकर सेक्शन का डेफिनेशन है और ये इसमें ये चेंज हो गया हुआ है अभी ये ठीक है इसमें चेंजेस आ चुके हैं ये इट इज़ एज़ पर द बैंक्स पॉलिसी ये चेंज होता रहता है बट फिर भी दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टेबल बाकी का सेम ही है स्मॉल एंड मार्जिन इस वीकर सेक्शन का डेफिनेशन क्या है थोड़ा सा पढ़ लें स्क्रीन लेके इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट सो हाउसिंग लोन का एक लिमिट है जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर आएगा सो so, इसमें दो चीज़ें हैं लोन्स टू इंडिविजुअल अप टू 3.5 मिलियन 35 लाख तक का लोन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहां हाउस का वैल्यू 45 फाइव है तो ये प्रायोरिटी सेक्टर है रूरल एरियाज़ में 25 लाख रुपए तक का लोन वेयर द वैल्यू ऑफ द हाउस अप टू 35 फाइव लैक्स दैट इज अ प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग लोन लोन टू द ओन स्टाफ इज नॉट एलिजिबल फॉर प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग ओके एनी लोन एक्सीडिंग फोर्टी फाइव लैक्स उससे जो ज़्यादा है दैट इज़ नॉट अंडर पी एस एल ठीक है तो इसको याद रखें अगर घर की वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ़ द हाउस मोर दैन फोर्टी फाइव लैक्स इन द अरबन एरियाज़ एंड इट इज़ नॉट यू नो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ पी एस एल मैक्मम कॉस्ट ऑफ हाउसेज थर्टी फाइव लैक्स इन इन द रूरल एरियाज इफ द वैल्यू ऑफ हाउस मोर दैन दैट तो ये कंसिडर नहीं होगा ठीक है पी एस एल में इसका ध्यान रखें आप ठीक है सो स्टूडेंट्स पी एन बी एस ओ क्रेडिट ऑफ्सर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कॉर्स इट्स अवेलेबल ऑन बैंक एग्जाम साट कॉम उसमें आप ये पी एस एल का इन डेप्थ क्लास देखें एंड इफ देर इज एनी चेंज देर इज एनी अपडेट विल बी कवरिंग दैट इन अर्स सो प्लीज़ रिमेंबर दैट लिंक टू जॉइन अ कोर्सेस अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज डिस्क्रिप्शन को चैक करें इफ देर इज एनी डाउट यू कैन ड्रॉप अ वॉट्सअप मैसेज ऑन दिस नंबर वी आर गु आंसर यू लिस्ट ऑफ आर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स टू अ कोर्सेज इन द पास्ट ऑल दीज स्टूडेंस टू का कॉर्स इन द पास्ट एंड दे कैक द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दैम Uh, and all these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams, I'm really, really happy for them. If there is any doubt in your mind, I'm PNBSO Credit Officer 2021. All these students that took our courses and they cracked their respective exams, this is our results in the previous exam. I'm really, really happy for them. If there is any doubt in your mind, please ask your doubts and we are going to answer your doubts. So that's all for today, students. Subscribe to the channel, subscribe to the course, uh, like this video. Share this video with your friends. Ask your doubts on our WhatsApp number. We are happy to answer your doubts. It's nine zero six seven two zero one triple zero. I'm going to answer all the doubts myself. My name is Raman. So thank you and have a nice day. Bye bye.